लो जी उतर गई भाई पूरी छत। अरे बाप रे पूरी छत उतर चुकी है भाई। ये देखो यार, देखो भाई क्या लग रही है तार। लो जी गाइस वन इन इंडिया बना दी है। फिर तुम्हारा भाई ना पूरी गाड़ी लूंडी कर रहे हैं। देंगे छत उतार देंगे, इसके दोनों दरवाजे उतार देंगे। गाइस अभी ना यहाँ से सारे नट खुल चुके हैं, और वो देखो भाई ऊपर ऊपर से भी पूरे स्पीकर्स वगैरह सब कुछ खुल चुके हैं। हाँ जी फिर मजा आ रहा है क्या? नहीं अपनी थार मुड़ गई है। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज एचएसबी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस आफ्टर सो लॉन्ग भाई, और फर्स्ट टाइम तुम्हारा भाई ना केटीएम आरसी पे ब्लॉग कर रहा भाई। 3-4 महीने हो गए, ब्रांड न्यू निकलवाई थी शोरूम से, यहाँ पे लगा हुआ आपके भाई का इंस्टा 360, और भाई ये चल रही अपनी थार। कश्मीर से जब आओ ना उसके बाद आज निकली है थार, अदरवाइज कभी रात को जिम जुम चले जाता था, नहीं तो भाई थार चल ही नहीं रही बिल्कुल भी। आज ना कुछ खुराफाती करने वाले हैं गाइस। तुम्हारा भाई ना हार्ट टॉप उतार रहा है आज, और देखो सब लोग अभी देख रहे हैं इतना भाई। आज तुम्हारा भाई ना हार्ट टॉप उतार रहा है भाई, लाइट नहीं जलाई हुई, इसको बोलते हैं लाइट तो जला ले। वो लाइट देखो भाई, देख रहे हो भाई, ये चक्कर है भाई कस्टम लाइट्स का, देख रहे हो भाई कितनी प्यारी लगती है। और गाइस तुम्हारा भाई ना आज जा रहा है हार्ट टॉप उतारने के लिए। तुम्हारा भाई ना पूरी गाड़ी लूंडी कर रहा है, इसका हार्ट टॉप उतार देंगे, छत उतार देंगे, इसके दोनों दरवाजे उतार देंगे, और गाइस पूरी लंडी जीप बना देंगे इसको, लंडी थार जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ कर दे। ओ परा खा ना जाएंगे भाई, देखो वेन्यू के सामने देखो कितनी बड़ी लग रही है गाड़ी अपनी भाई, टायर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। आ जा आ जा आ जा, जब से कश्मीर से आओ ना तब व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। ये देखो भाई ये भी कश्मीर से ही लिखवा के लाया था, बहुत बढ़िया भाई ने काम करा था। यहाँ पे चोबर लिखाया था मैंने, कटिंग वाली स्टिकरिंग ना बहुत कम लोग करते हैं, दिल्ली में भी ना बहुत कम होती है। तो ये देखो भाई चट ब्लैक गाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं, अरे बाप रे भाई, देखा था राइट साइड पे। और भाई यहाँ पे देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है, साइन टू वोड मूव स्टेप भाई, ये भी देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब कटिंग बहुत प्यारी थी। ये एच एस बी ऑफिशियल भाई कल लिखवा के लाया, लगा था पाजी यहाँ लिखवाओ कुछ अलग करते हैं। और भाई आगे से आपको गाड़ी दिखाता हूँ, ये देखो अरे बाप रे भाई कितनी प्यारी लग रही है, देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है अपनी थार। मूर्ति भी देखो कितनी खतरनाक लगती है, देख रहे हो भाई इसकी भी अपनी डायल है यार। सच में कह रहा हूँ मेरे मर्सिडीज से ज़्यादा ना इसके ऊपर कमेंट्स मिलते हैं भाई, जब भी लेके निकलो ना भाई। अभी देखना बलिनो के साथ से निकलेगी गाड़ी, देखना बलिनो कितनी छोटी लगेगी इसके सामने, ये ना अपना कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता, अदरवाइज बहुत बड़ी गाड़ी है यार, ये ऊंची बहुत है यार। देखो आज भाई पूरी पॉलिश खरीद के लाया था, 1500 का ना पूरा कैन लेके आया हूँ 5 लीटर का। और भाई ये देखो टायर देखो पॉलिश कर रहे हैं पूरे, छत पे भी यहाँ पे भी ना पॉलिश लगी हुई है। कि डर मुझे इस चीज़ का है, क्योंकि सारे ना मुझे यही बोल रहे हैं, कहते भाई एक बार आपने छत उतार दी ना तो दूसरी बार में ना आपकी गाड़ी ना आवाज़ करेगी जब आप दोबारा हार्ड टॉप लगाओगे। तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, आवाज़ करेगी तो उतारना तो भाई हमने है ही। लोग ना सॉफ्ट टॉप लेके खोल देते हैं, पर हार्ड टॉप ना कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो हार्ड टॉप खोलने की हिम्मत रखते हैं। ये देखो भाई क्या लग रही है भाई, लाइट देखो, देख रहे हो भाई, चलो गाड़ी देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है अपनी। हाँ फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़ना, नीचे ही है शॉप, तो मज़ा आने वाला है आज आपको बहुत सारा। लोग कह रहे थे ना कि केटीएम पे ब्लॉग्स नहीं आ रहे, तो भाई अब केटीएम पे ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि भाई एक महीना ना इसको तैयार करवाने में लग गया केटीएम आरसी को। हमने पूरी स्टंट मशीन बना दी है, वीडियो पूरी बन चुकी है, बट एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि ना कुछ मैं स्पेशल कर रहा हूँ चीज़ें कि आपको भी देखने में अच्छे लगें। और भाई आपके भाई ने X3 लिया था, आपने अनबॉक्सिंग देख ली होगी, लास्ट ब्लॉग में डाला था जब मैं बुलेट पर लेने गया था, तो आपने ब्लॉग देख लिया होगा भाई। अब देखो अरे बाप रे भाई क्या कर रहे हैं, देखो अरे भाई अंकल जी ने उड़ा दी कितने भाई, थार देख रहे हो कितनी खतरनाक लगती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई। अभी ना एक रील बनाते, ओ भाई ये देखो अभी लोंडे रह जाते, ये देखो भाई एक रील बना देते हैं इसकी तगड़ी वाली, कि गाड़ी खतरनाक लगे पूरी। अभी ना इस साइड चलते हैं, अब करेगा भाई, देखो भाई क्या भाई, मुझे एक तो डर लग रहा था कि मेरे ना मार दे कहीं। मैं पंजाब ना पूरा पंजाब घुमाया मैंने थार के साथ, पूरा पंजाब, वो देखो अपने लेफ्ट होने यहाँ से भाई, पूरे पंजाब में ना एक ही बात सुनने में आई है कि भाई रेड थार का वो अलग ही रोब है भाई, क्योंकि ना मैंने ना ब्लैक नहीं पूरी बनाई, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, पूरी रेड करवा दूंगा ना तो फिर वो रोब बनती हो जाएगी।
वो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी भाई। ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने अलॉयज भी ब्लैक करा दिए हैं, छत भी ब्लैक करा दी, शीशे भी ब्लैक करवा दिए हैं। वो देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है, वो देखो आती है, वो देखो अलग ही चमक रही है, देख रहे हो। और वो देखो नीचे वाली ग्रिल मुझे ना ब्लैक करवानी थी, पर इसके कहने पे मैंने रेड डाल दी। वो देखो नीचे देखो रेड कलर की ग्रिल है। यहीं पे शॉप है जिनसे भाई ने बात बात करी है, कि कहता भाई वहाँ पे चलो वो काम कर देंगे, क्योंकि भाई इसको हाथ ना कोई भी नहीं डाल रहा। कम से कम नहीं तो 3-4 शॉप्स पे जा चुका हूँ भाई, सब ने मना ही करा है कि हम नहीं छत खोलेंगे, पंगा नहीं लेंगे। पर वही है ना कि भाई हम ढूंढ ही लेते हैं बंदे, मैं कहा हमारे जैसे बंदे लाए भाई, मुझे टूल दे दो मैं खुद खोल दूंगा छत, फिटिंग खराब हो जाती है। अब भाई खोल रहे हैं और सबसे बड़ा टास्क ये इसको रखेंगे कहाँ पे छत को, भाई बहुत बड़ी छत है यार, इतनी सुंदर लग रही है। देख रहे हो मूसे वाले का स्टिकर, दो सिद्धू के फैन है भाई, नीचे कमेंट जरूर करना। अब भाई छत का ना काम स्टार्ट करवाते हैं। सामने हमारी खार लगी हुई है और भाई ये पूरा ना हॉट टॉप खुलने वाला है, एक बार पास आ जाओ आपको दिखा देते हैं हॉट टॉप पूरा, ये देखो। और यहाँ पे भी सील लगी हुई है, अब देखते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, जो सील है ना उसके अंदर प्रॉब्लम लग रही है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, सील ना टूटे हमारी। मैंने ना टेप चढ़वाई हुई है, ये देखो ये टेप चढ़ी हुई है मेरी छत के ऊपर, ये ना मैंने रेड करवाया वो था हॉट टॉप, अब मैंने इसको ब्लैक करवाया सुंदर दिखने के लिए। अब ये कि मेरी टेप ना खराब हो जाए, क्योंकि भाई टेप भी 5000 रुपये की लगवाई थी। लो जी गाइस उतरने लगे अब, ये उतर चुके हैं स्पीकर भी, वो उतारो प्लग उतारो उसका भाई। ये की नट खुलेगा और ये जो नट है ना सारे ये भी खुलेंगे भाई। भाई पन्नी ले लो एक ना, हमें डाल देना सारे नट वगैरह। लो जी भाई ने ना वो भी खोल दिया था, क्योंकि वो खोलने में जरूरत नहीं होती गाइस, इस पे टिका हुआ है छत के लिए, सिर्फ ये नट खुलते हैं सारे। भाई इतनी देर से ढूंढ रहे थे नट, कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है, और पता लग रहा है ये देखो यहाँ पे है नट, एक यहाँ पे लगा हुआ है एक उधर लगा हुआ है बस। और भी आराम से को ना लाइटें लूटे लगी हुई है ना, टेप काट लो पहले बीच से। गाइस नट खुल चुके हैं ऊपर के, एक ये वाला नट खुल गया एक वो वाला नट खुल गया, वो देखो छत देखो गाइस आ गया भाई। ये देखो गाइस टेप कट रही है, जो टेप लगा रहे थे ना हमने ऊपर वो काट रहे हैं। ये गाइस पीछे की भी छत खुलने शुरू हो गई है, ये जो नट है ना जो यहाँ लगे हुए हैं ये अब सारे खुलेंगे वहाँ तक आगे तक, तब ये गाइस छत आएगी। गाइस गाड़ी खोलनी बड़ी आसान है और संभालनी बड़ी मुश्किल है, ये देखो गाइस साथ के साथ नट संभाले जा रहे हैं। गलती से ना हमने ये वाले नट जो होते हैं ना ये भी खोल दिए थे, पर जब हमने वीडियो देखी पता लगा ये नट नहीं खुलते, वो जो नीचे लगे हैं ना नट दिख रहे होंगे आपको, वो नट खोलने तब निकलेगी अच्छे से पूरी। नंबर प्लेट बनाओ, नंबर प्लेट बनानी है, बनाओ जी लोनो नंबर प्लेट बनाओ, नंबर प्लेट बंद हो गया आपको नहीं पता, डंडे रह जाएंगे अदरवाइज ये पूरी की पूरी है, देख लो भाई ये पूरी उतरेगी। चेक करो तुम्हारा भाई अंदर आ चुका है भाई, ये देखो पैरों में क्या क्या पड़ा हुआ है, ये देखो भाई कैमरे के सारे आपके। गाइज देखिए ये पूरी चीज खुल गई है, ये देखो यहाँ पे स्पीकर लगे हुए थे मेरे, और भाई ये देखो यहाँ से ना दिखना शुरू हो गई है, देखो देखो भाई भी वहाँ पे नट खोलने के लिए लगा हुआ है, दोनों क्लिप्स भी खोल दी हैं, अभी शॉकर रोड भी खोलेंगे, पूरी की पूरी आ जाएगी, हमें ना साइड के मिरर्स नहीं उतारने पड़ेंगे। अब ये भाई लगा हुआ है ये देखो नट खोलने के लिए, जहाँ पे हम पहले गए थे ना करवाने के लिए भाई पूछ नहीं गया था, भाई जिससे पूछ रहे थे ना हर कोई मना कर रहा था, कहता भाई हम नहीं खोलते हॉट टॉप, पता नहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, अभी देखते हैं भाई। ढीला तो होना शुरू हो गया वैसे, ये रह गया सिर्फ ये खोलो, मैंने खोल दिए ये मैंने खोल दिया ना, ये खोलो ये वाला खोलो लास्ट वाला, नीचे वाला रह कर भाई सबसे बड़ा टास्क पता है क्या भाई, इसके अंदर भी नट है, ये देखो यहाँ पे भी नट है, सबसे बड़ा टास्क ये है भाई, ये भी खोलेंगे क्योंकि डंडे के साथ में है। अभी भाई पूरा हॉट टॉप खुलेगा ना गाड़ी पूरी कन्वर्टेबल हो जाएगी, वो भी बताएंगे भाई क्यों हमने कन्वर्टेबल करवाई है। नट नहीं कहीं जाने चाहिए, स्पेशल मैंने थैली मंगवाई है कि भाई हर एक एक नट जो है ना ये देखो भाई इसमें डाल रहे हैं, नट कहीं चले गए तो दोबारा हमारा हॉट टॉप नहीं लगेगा। तुम्हें पता है कि भाई हॉट टॉप और सॉफ्ट टॉप पे ना 1.5 लाख रुपए का फर्क आता है, 1.5 से 2 लाख रुपए महंगी है हॉट टॉप। ये देखो भाई पूरी कलाकारी चल रही है, और भाई ये देखो हमने ना आगे वाले भी ये प्रॉपर खोल दिए हैं, बस मैंने ये चाहता हूँ कि ये ना अलग से ना खुले, पहले मैं इसको खोलने ही कर रहा था, बट मैं पूरी की पूरी छत एक बार ही उतारूंगा। भाई वो खोलो वो वाले रबड़ खोलो पहले, नहीं भाई ये दो नट तो खोल ले फिर वो भी खोल लेते हैं, भाई यहाँ नट खोलने शुरू हो गए हैं। इसको ना खोलने के लिए मैंने कंपनी में बात करी थी, कहता भाई जी क्यों खुलवा रहे, हॉट टॉप क्यों ली थी हमने खोलनी थी, तो ये नट भी स्लिप होने ही कर रहे हैं, देखो भाई खुल ही नहीं था, बहुत टाइट है भाई बहुत टाइट है, ये रबड़े देखो सब्सक्राइबर आ चुके गाइस, ये देखो कैसे हो भाई, गाइस ये देखो रबड़ खोल रहे हैं भाई, इधर लाइट मैं देख रहा था लाइट जलाने के लिए, देखो रबड़े देखो
कि ना कई जगह पे ना ऐसे लोग हैं कि ना काम नहीं करना चाहते, वो क्या कहते हैं भाई, वो ना अनाप शनाप चीजें बोलते हैं। मैंने एक दो बार ना रंधावा साहब को भेजा था कि भाई जाओ जाके ना एक बार, वो पता क्या कह रहा भाई, छत खोलने की। पहले तो ये बोल रहा भाई कि छत तो खुलती नहीं भाई इसकी, सारे लोग ना ये बोल रहे भाई इसकी छत खुलती नहीं है। फिर मैंने कहा भाई हमने एक्सपेरिमेंट कर, चलो भाई बाहर आ रहा हूँ भाई, ये चेक करो ब्लैक है ना, ये पूरी की पूरी बाहर आएगी, ये पूरा हमारा हाथ तो उतर के नीचे आ जाएगा। और भाई ये दिल्ली के अंदर ना कोई अभी तक कोई ट्राई नहीं कर रहा इसको, तुम्हारा भाई ना एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि क्योंकि ना गाड़ी आपके भाई को ना कन्वर्टेबल करनी है था भाई, गाड़ी ना सुंदर बड़ी लगेगी भाई। अभी ना यहाँ से सारे नट्स खुल चुके हैं और वो देखो भाई ऊपर ऊपर से भी पूरे स्पीकर्स वगैरह सब कुछ खुल चुके हैं। अब उसके बाद ना भाई सिर्फ रह गया इधर वाला हिसाब, अब इधर का खोलेंगे। और भाई एक और आपको बात बता दूं, इसी के बाद ये पूछने जा रहा था ना कि भाई ये वाली गाड़ी है इसकी ना छत उतारनी है, पहले तो मना कर रहे थे, कहते भाई इसकी छत खुलती नहीं, हार्ड टॉप है। उसके बाद भाई एक बंदे को ना मतलब काम लोगों को करना नहीं होता, पैसे मांगने होते, वो इसको पता क्या कहता, इसको कहता भाई 5,000 रुपये लगेंगे छत खोल लेंगे, कहता भाई सिर्फ हार्ड टॉप खोल लेंगे। कंपनी में फ़ोन करा, कहते भैया 2-3 दिन बाद लेके आना। मैंने कहा भाई अभी ज़रूरत है इसलिए भाई मैं शॉप पर आ गया कि भाई हमें तो पता है कि भाई कौन सी चीज़ कैसे करवानी है। अब भाई ये भी थोड़े कम पैसों में ही कर रहा है, नहीं तो भाई लोग 5-5, 7-7 हज़ार रुपये मांग रहे थे सिर्फ खोलने का। ये रिस्क भी हमारा, क्योंकि ना खोलना तो आसान है भाई, उसके बाद लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और गाड़ी इतनी सुंदर लगेगी ना, अभी आपको दिखा रहा हूँ भाई, लास्ट टाइम देख लो, ये देखो भाई लास्ट टाइम देख लो अपनी गाड़ी, फिर उसके बाद देखना भाई कैसी लगती है। हार्ड टॉप खुल के पूरी कन्वर्टेबल हो जाएगी भाई, ये लो ये चेक करो भाई, भाई छत खलनी शुरू हो गई है। अरे भाई भाई आराम से आराम से आराम से भाई, वहाँ से जोड़ना हिल जाए। ये लो जी खुलने की तैयारी हो गई भाई, देखो खुल रही है, खुल गई ना उतर गई। देख लो हमने सारे बंदे बुला चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भाई 9 जाने उतारने वाले हैं भाई, काफी ज्यादा हैवी है, अब उतरने हैवी। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ भाई, उतारने वाले ऊपर। लो जी उतर गई भाई पूरी छत। लो जी भाई, अरे बाप रे, पूरी छत उतर चुकी है भाई, ये देखो रख दो भाई, भाई ये देखो उतर गई भाई, थार देखो भाई क्या लग रही है थार, अरे बाप रे थार देखो भाई कितनी सेक्सी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है भाई, बहुत बढ़िया भी सही लग रहे हैं ना, हाँ ब्लैक है ना भाई, भाई उनको तो दिखा दो यार, मेहनत उनकी लगी है भाई, कैसे लग रही है भाई थार। तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से भी बंदा छलांग मार के आ जाए। नहीं तो लोग देखो भाई कितने इकट्ठे हो गए हैं, ये पड़ी हुई अपनी छत भाई, देखो लोग ना रुक गए हैं, गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है। अब भाई इस पर हमने बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें सोची है, वो आएंगे भाई, ये छत पड़ी हुई। अब भाई इसका सबसे बड़ा टास्क है, इसको मुझे ना अपने पुराने घर में रखना पड़ेगा, नए वाले घर में नहीं रखूँगा। लो जी भाई रंधावा साहब लगे हुए हैं वो खोलने के लिए। भाई देखो आपको बता देता हूँ, तुम्हारे भाई ने ना पहले ये चीज़ सोची हुई थी, एक प्रॉब्लम हो गई, हमने दरवाजे नहीं खुलवाए, उसकी बात बता दो क्यों नहीं खुलवाए। ये देखो भाई ये लाइट देखो, अब ये वाली ना मैंने पहले छत के ऊपर इसलिए नहीं लगवाई थी क्योंकि मुझे लाइट्स उतारनी पड़नी थी, तो अब लाइट्स उतारनी नहीं पड़ी क्योंकि ये बॉडी के साथ ही मैंने लगवा दी थी। और जो अपनी वायरिंग है ना वो भी यहीं पे चलेगी थी, वो भी आपको एक बार ही दिखा देता हूँ भाई, ये देखो ये सारी रस्सियाँ वस्सियाँ खुली हैं। ये देखो भाई ये वायरिंग ना बिल्कुल साथ में करवा दी थी मुझे, क्योंकि मैंने ना पहले ही सोचा हुआ था कि भाई इसके एक बार हार्ड टॉप ज़रूर उतार के देखेंगे, और ना मुझे इसके दरवाजे भी खुलवाने थे। प्रॉब्लम इस चीज़ की बड़ी है, पावर विंडो वाली वायरिंग और सारी चीज़ें हिल जानी, सेंसर उड़ भी सकते थे, तो इसलिए भाई मैंने दरवाजे नहीं खुलवाए। बाकी बंदों में ना दम भी होना चाहिए, लोग ना मैंने तो बोल दिया था कि भाई ख़राब हो जाएंगे तो मैं डलवा लूँगा, क्योंकि ना ये देखो ये सारी चीज़ें ना ये सारे पट्टे पुट्टे खुलने थे, वायरिंग और ये शीशे की सारी चीज़ें ना इसमें थी, नहीं तो मैंने सोचा था कि भाई इसके दरवाजे भी खुलवा दो। बाकी यार नीचे कमेंट करो कौन कौन चाहता कि भाई इसके दरवाजे खुलवा दिया जाए, नीचे एक बार कमेंट करो भाई। गाइस सारी चीज़ें होने के बाद भाई ये देखो स्पीकर भी लगवा रहा तुम्हारा भाई, ये रे अब यहाँ पे लगेंगे स्पीकर्स। और भाई तुम्हारे भाई ने बेस ट्यूब भी रखी हुई है, भाई गाने तो ऐसे बजने वाले ना जैसे लगेगा रोड पे गाने चल रहे हैं। ना मेरी गाड़ी में अलॉयज लगे हुए हैं ना, तो उससे और सुंदर लग रही है गाड़ी, ये देखो। और भाई जिनसे काम करवाया ना उनका भाई सीट कवर का भी काम है, ये देखो ये भाई साहब बैठे हुए हैं, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था, भाई साहब ने हमारा काम करा। भैया अपना नाम क्या है? कादिर खान जी ने भाई हमारा काम करा, और भाई एक नंबर काम करा है, और भाई पैसे भी बड़े रीजनेबल लिए, और सीट कवर का भी काम है। कौन सी जगह पड़ती है भाई साहब? ये विकासपुर CRPF कैंप, भाई CRPF कैंप के वहाँ है। और आपको गली दिखा देता हूँ भाई, ये चेक करो ये गली है, और भाई इनका भाई साहब का ये काम है, कोई भी गाड़ी के सीट कवर्स बना देते हैं। गाइस अपनी गाड़ी के साथ साथ ना भाई स्पीकर्स भी लग गए हैं, ये भी लेके आ गया भाई, ये देखो भाई स्पीकर्स भी लग गए। और भाई मैंने ना यूट्यूब पर वीडियो देखी है, उसके बाद भाई ये करवाया काम, वो देखो लाइट भी लग गई है, वो देखो नहीं तो भाई होना नहीं था, ये चेक करो भाई, वन इन दिल्ली हो गया भाई, ये चेक करो थार को भाई, पूरी कन्वर्टेबल कर दी भाई, पूरी लंडी बना दी है थार नोपड़ी।
ਲੰਡੀ ਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁਣ ਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨੀੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਰੀਏ ਟੱਪ ਪਣ ਤਾਲੀ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹ ਪੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਤੂੰ ਮੋਢ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰਵੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ